मनोज झा को पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं दी गई है। विदेश मंत्रालय ने अनुमति देने से किया इनकार। आरजेडी सांसद ने पाकिस्तान जाने की मांगी थी इजाजत। मनोज झा ने सरकार के फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। लाहौर के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो पाकिस्तान जाना चाहते थे। आरजेडी सांसद मनोज झा लाहौर में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान नहीं जा सके हैं। इसके लिए मनोज झा ने विदेश मंत्रालय से अनुमति मांगी थी, लेकिन विदेश मंत्रालय ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। मनोज झा चौथे आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान जाने की अनुमति चाहते थे। राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने सरकार के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। तो फिलहाल आरजेडी कोटे से सांसद मनोज झा को पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं दी गई है और साफ तौर पर इसको लेकर मनोज झा का ये कहना है कि सरकार का ये फैसला काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। पाकिस्तान में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मनोज झा पाकिस्तान जाना चाहते थे और इसी के लिए विदेश मंत्रालय से उन्होंने अनुमति मांगी थी, लेकिन अनुमति को सिरे से खारिज किया गया और उन्हें पाकिस्तान जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी गई। लाहौर के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाना चाहते थे मनोज झा, जिसके लिए उन्होंने विदेश मंत्रालय से अनुमति भी मांगी थी और लेकिन विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर सिरे से इस मांग को खारिज कर दिया। पाकिस्तान जाने की अनुमति आरजेडी सांसद मनोज झा को नहीं दी गई है, उनको साफ तौर पर इनकार किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि इसको लेकर मनोज झा का जो रिएक्शन है वो भी सामने आया। उन्होंने साफ कहा कि ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनको एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पाकिस्तान नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध काफ़ी अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसका प्रभाव अब इन चीज़ों पर भी पड़ने लगा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास चंद्रा जुड़ गए हैं। विकास, फिलहाल आरजेडी कोटे से सांसद मनोज झा को पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं मिल पाई है, क्या जानकारी है और विदेश मंत्रालय ने किन्हीं कारणों से इनकार किया? जी, जो प्रभात झा की तरफ से जानकारी दी गई कि विदेश मंत्रालय ने यानी भारत सरकार ने उन्हें पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं दी है। उन्हें 23 तारीख को वहाँ एक लेक्चर देना था, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस, जो फोर्थ आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस था उसमें जाकर के इन्हें अपना भाषण देना था, उस सेमिनार में हिस्सा लेना था। तो इन्होंने वीजा के लिए अप्लाई किया था, तो जो विदेश मंत्रालय है उसने जो है क्लियरेंस नहीं दिया और वीजा मिलने इनको कहें तो इस तरीके से इनकार कर दिया। और जो कारण बताया गया है वो, जब वीजा इस तरह का क्लियरेंस होता है तो कई क्लियरेंस के साथ एक पोलिटिकल एंगल क्लियरेंस होता है, तो पोलिटिकल एंगल में इनको डिक्लाइन कर दिया गया, यानी मना कर दिया गया इनको कि आपको वीजा नहीं दिया जा सकता है, जिसकी वजह से इनको वीजा नहीं मिला और ये पाकिस्तान नहीं जा सकते हैं। हालांकि उनकी तरफ से फिर प्रयास किया जा रहा है और विदेश मंत्रालय को संपर्क किया गया है कि जो पॉलिटिकल एंगल है उस पॉलिटिकल एंगल में फिर से विचार करके विदेश मंत्रालय जो है उनको वीजा वहां के लिए दे और जाने की अनुमति दे। वीजा तो पाकिस्तान लेगा लेकिन जाने की अनुमति दे, तो पॉलिटिकल एंगल को वजह बताते हुए जो विदेश मंत्रालय है उसने मना कर दिया है। जी विकास, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए क्योंकि उनको एक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए लाहौर जाना था और जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि जब तक कोई पॉलिटिकल रीजन ना हो, एंगल ना हो, तब तक जाने की अनुमति नहीं मिल सकती है, लेकिन उनकी ओर से साफ तौर पर पॉलिटिकल एंगल दिखाया गया है, तो क्या इसको लेकर भारत सरकार को कोई शक या कुछ ऐसा है इसलिए इनकार किया गया? देखिए, भारत सरकार के पास कहें या जो विदेश मंत्रालय है उसके पास ये अधिकार है, विशेष अधिकार है, वो हर एंगल से जांच करता है, क्योंकि जो मनोज झा हैं वो सांसद हैं और सांसदों को विदेश जाने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, सरकार को उसकी जानकारी पूरी मुहैया करानी पड़ती है। और तो उसमें सरकार विचार करती है और सभी एंगल से जो है वो, क्योंकि वो जा रहे हैं तो भारत के सांसद हैं तो इस प्रोटोकॉल भी उनके साथ होता है और पूरे प्रोटोकॉल के साथ वो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो विदेश मंत्रालय है वो पॉलिटिकल एंगल की जांच करता ही करता है और पाकिस्तान के साथ आप देख रहे हैं कि समय हालात जो हम लोगों के हैं वो नॉर्मल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये बात की संभावना थी कि शायद ये लटक जाए या उनको अनुमति न मिले, तो पॉलिटिकल एंगल के हवाले से विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इसको देखते हुए आपको अनुमति नहीं दी जा रही है। तो आप उनको जो पत्र जारी किया गया विदेश मंत्रालय की तरफ से उसमें एकदम साफ साफ ये लिखा हुआ है। तो अब फिर से मनोज झा की तरफ से संपर्क किया गया है तो अब देखने वाली बात है, क्योंकि 23 तारीख को उन्हें जाकर वहाँ लेक्चर देना है, तो क्या भारत सरकार पुनर्विचार करती है कि नहीं, विदेश मंत्रालय फिर से विचार करते क्या उन्हें अनुमति देता है या नहीं देता है,
क्योंकि इसको लेकर के जो मनोज झा है जिसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाना भी बनाने की भी शुरुआत उन्होंने कर दी। बिल्कुल विकास जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आखिर क्या ऐसी चीजें जरूरी होती है, मैंडेटरी होती है, जिसका होना बहुत जरूरी है, अगर वो चीज आप लेकर चल रहे हैं या उसे एक तथ्य के तौर पर पेश कर रहे हैं तभी आपको बाहर जाने की अनुमति दी जाती है, क्या वो चीजें हैं? देखिए, विदेश जाना और वीजा लेना की अपनी स्थापित पूरे इंटरनेशनल रूल है, उसमें कोई भी देश उसका वायोलेशन नहीं कर सकता, उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। लेकिन खासतौर पर की जो हालात इस समय पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ अपने हैं उसमें बहुत सारी परिस्थिति जो है वो अनुकूल नहीं है, और ऐसी परिस्थिति में भारत अपने तो मनोज झा तो सांसद हैं, इनके साथ से बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है कि वो, लेकिन आम नागरिक भी अगर पाकिस्तान जाने के लिए फिलहाल अगर अर्जी लगाता है तो उस पर भी सारे विचार किए जाते हैं कि उसका जाना, उसे भेजना उचित है या नहीं है, सुरक्षित है या नहीं है, ठीक है या नहीं है, किस वजह से वो जा रहे हैं, कारण क्या है, बहुत सारी बातें होती हैं और सरकार छानबीन करती है। क्योंकि ये सांसद हैं तो इनमें पॉलिटिकल एंगल का जांच विदेश मंत्रालय को करना ही करना था, ऐसा नहीं था कि नहीं होता। और उसी और ये एक ऐसा कह लें कि विदेश मंत्रालय के पास हथियार होता है किसी को अगर बाहर जाने से रोकने के लिए कि तो पॉलिटिकल एंगल को आधार बना करके वो किसी की अर्जी को भी मना कर सकता है, तो पॉलिटिकल एंगल पे बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर भारत सरकार ने कुछ अभी पाकिस्तान के साथ अपने मानक तय किए होंगे कि उनके देश का सांसद या कोई अधिकारी, पदाधिकारी या जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो फिलहाल विदेश मंत्रालय की तरफ से तो कोई इस पर बयान नहीं दिया गया है या क्या पॉलिटिकल एंगल में भी क्या वजह उनको दिखाई दिया, लेकिन फिलहाल जो चिट्ठी दी गई है मनोज झा को उसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल एंगल की वजह से आपको नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल विकास, देखिए साफ तौर पर विदेश मंत्रालय की ओर से तो इनकार कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से मनोज झा जद्दोजहद में लगे हुए हैं, देखना यह होगा कि क्या कोई और एंगल वो पेश कर पाएंगे या इसी एंगल को दूसरे और तरीके से सरकार के सामने या फिर विदेश मंत्रालय के सामने पेश कर पाएंगे अगर वो जाना चाहते हैं पाकिस्तान तो, या फिर इनकार ही कर दिया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विकास।